हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? सीकर, अजमेर, सिरोही या फिर जोधपुर? तो करेक्ट आंसर है इसका सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो वो भी रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ऊंची कौन सी है इनमें से? तो सबसे ऊंची है इनमें से जरगा। ठीक है, उसके बाद है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ और उसके बाद है रघुनाथगढ़। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। अगला क्वेश्चन है, जी एस सिंधु कमेटी ने राजस्थान में कितने जिले प्रस्तावित किए थे? जी एस सिंधु कमेटी ने राजस्थान में 24 जिले प्रस्तावित किए थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर संभाग के बारे में विचार करना है। पहला कथन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। बिल्कुल सही बात है। इस संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला दौसा है, ये भी सही बात है। संभाग का क्षेत्रफल 36,604 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत बात है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? दुर्लभराज, विग्रहराज, वासुदेव, अजयराज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वासुदेव चौहान, ये चौहान वंश का प्रथम शासक था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। अजमेर की स्थापना किसने करी थी? अजयराज ने 1113 में करी थी। आनासागर झील किसने बनवाई थी? अर्णोराज ने। आनासागर झील चंद्रावती नदी के पानी को रोककर करवाई थी। ठीक है, तो अर्णोराज ने आनासागर झील बनवाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी बिजियों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोंड ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बारा कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। आपको पता होगा आमेर का एक राजा था पृथ्वी सिंह। ठीक है, उसने अपने 12 बेटों के लिए आमेर को 12 भागों में विभक्त कर दिया था, उसको बारा कोटड़ी के नाम से जाना गया। फिर किस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था? मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में, इसको तो नहीं था राजघराने का समर्थन प्राप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ को राजघराने का समर्थन प्राप्त। अगर प्रथम प्रजामंडल पूछे तो 1931 में जयपुर में बना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो झालावाड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर, कुशलगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़। करेक्ट आंसर है शाहपुरा। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत शाहपुरा थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।